बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान पाक की सूरत अल हजरात में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। कदीम तारीख के तनाजर में देखा जाए तो ज़माना कदीम में कोई ज़ात नहीं थी, सिर्फ अरब मुख्तलफ कबाइल में बटे हुए थे। आयत के मुताला के बाद मेरे अंदर कौम और बरादरियों की हकीकत और हसब नसब को मालूम करने का तजस्स पैदा हुआ। खोज लगाने पर मालूम हुआ कि दौरे हाजर में पंजाब में तकरीबन 2500 जाते हैं। 1880 में इकट्ठा की गई तारीख और 1911 में शाया की गई तसनीफ के मुताबिक जातों की तारीख पहली मरतबा मैं आपके लिए लाया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रावल अमृतसर में बताया जाता है कि इस कबीले का जद्द अमजद रियाल रसूलुल्लाह की खिदमत में था। एक मरतबा पैगम्बर सलाम खैरात बांट रहे थे तो कोई भी लेने के लिए आगे ना आया, तब रावल ने आपसे खैरात ली। तभी से इस कबीले के अरकान खैरात पर गुजारा करते हैं। ताहम रावल की असलाह जोगी के मुतरादिफ मफहूम में इस्तेमाल होती है, लेकिन इससे मुराद मुसलमान जोगी हैं, जो दर हकीकत अमूमन जोगी रावल कहते हैं। राजपूताना और दीगर जगहों पर रावल एक लकब है। राजा कोल की संस्कृत सूरत ज़िला सियालकोट के तमाम रावल मुसलमान हैं, ये ख्याल कायम किया गया है। वो इस्लाम कबूल कर लेने वाले हिंदू जोगियों की औलाद हैं। वो भीख मांगते हैं। जोगी दर्द भरे और इंतहाती भजन गाता फिरता और बहुत जल्द अमीर हो जाता है। इनमें से कुछ एक हकीम है, मगर वो कभी भी तिब के शोबे से वाबस्ता नहीं रहे। वो सर्जरी और आँख के ऑपरेशन भी करते हैं, जिसके नतीजा में अक्सर सादा लौ देहातियों का काफ़ी नुकसान होता है। वो अमूमन मौसम बरसात घर में ही गुजारते हैं और सर्दियों के आगाज़ में भीख मांगने निकलते हैं। तिब में इनकी महारत को वतन में कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, मगर वो चांदी से लदे वापस आते हैं। वो पंजाब के मुअर्रसी नजूमी भी हैं। किसी रावल के लिए कई साल तक हिंदू बनकर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं, और ये अमर बाई से हैरत है कि इन जैसे पस्त नस्ब के और तिब के शुद्ध बुद्ध ना रखने वाले लोग दीगर सूबों में लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं और दौलत से लदे हुए वापस घर आते हैं, और जितनी आसानी से दौलत कमाते हैं इस तरह खर्च भी करते हैं। पंजाब के रावल बदनाम धोखेबाज हैं। इनके पसंदीदा आला हायकार में से एक किसी रिश्तेदार का बहरूप भरता है और सूबा के अंदर वो शाजो नादर ही खुला जुर्म करते हैं, लेकिन वस्ती सूबों दक्कन और हत्ता के बम्बई और कलकत्ता तक सैरो सियाहत करते और वहाँ लूट मार और डाका जनी करते हैं। इन मेहमान पर अक्सर लंबे अरसों तक गैर हाजिर रहते हैं। इस दौरान देहातियों के बनने और उनके कुंभों को उधार पर पालते हैं, जो उनके बाप की वापसी पर बमा सूद वापस लिया जाता है। सिलेक्टेड पेपर बराए पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में इनके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात मुहैया की गई। रावलपिंडी का नाम रावलों की निस्बत से ही है। कहा जाता है वहाँ पर वो अपने आम कामों के अलावा मुहर्रम में मरसिया खवानी करते और रसूलुल्लाह के मौजज़ों और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में नातें पढ़ते हैं। अमृतसर के जराइम पेशा रावल दो हिस्सों में तकसीम हैं, झोली हाथ और कशकोल लिए फिरते हैं। जो जोगी मुखरल जिक्र मुसलमान होने के बावजूद खतने नहीं करवाते और हिंदू बख्शुओं के रूप में रहते हैं, वो खुद को झोली हाथ के नस्बत ज़्यादा काबिल एहतराम समझते हैं, मगर इनके मुकाबला में ज़्यादा बड़े फ्राडिये हैं। दौलत खेल लोहानी पठानों के चार बड़े कबाइल में से एक है, जिसने गालबन 17वीं सदी की इब्तदा में मरवतों और मियां खेल को टांग से निकाल बाहर किया। इनका मरकजी कबीला कुत्ती खेल था और दौलत खेल ने अपने हुक्मरान कताल खां की सरकर्दगी में टांग पर हुकूमत की और 18वीं सदी के वस्त में इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो दुरानियों के हमरा इंडिया में आए और बहुत सी दौलत लूटकर वापस गए, लेकिन फिर भटानी
और دیگر قبائل نے تجاوز کیا اور اب ان کی تعداد کم اور طاقت گھٹ گئی ہے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا مرکزی جاگیر نواب آف ٹانگ کھتی یا کتی کھیل سے ہے۔ خٹک پٹھانوں کا ایک قبیلہ جو کودئی کے ایک بیٹے لکمان عرف خٹک کی اولاد ہونے کا دعویٰ دار ہیں، وہ خود کو لانری شاہ کے پٹھان بتاتے ہیں۔ کرلانٹی کے ارمر بیوی کے بطن سے دو بیٹے کودئی اور ککئی پیدا ہوئے۔ کودئی کے چھ یا سات بیٹوں میں سے ایک لکمان تھا، ایک بیٹی بھی تھی جو سید محمد کی بیوی بنی، اور لکمان کے دو بیٹے ہونٹی اور وردک تھے۔ کہانی یوں ہے کہ لکمان اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا کہ اس کی ملاقات کسی اور قبیلے کی چار افغان حسیناؤں سے ہوئی۔ لکمان نے سب سے زیادہ خوش لباس حسینہ منتخب کی، لیکن وہ سب سے کم حسین، گہری رنگت والی اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ بھائیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لکمان پر کھٹائی لارما یعنی لکمانی کیچڑ میں گرا ہے، تبھی سے اس کا نام خٹک پڑ گیا۔ تاہم اس بیوی سے اس کے دو بیٹے رمان اور بلاک پیدا ہوئے۔ تو رمان کے دو بیٹے ترئی اور ترکئی تھے، لیکن دونوں کی اولادوں کو تری کہا گیا، چنانچہ خٹکوں کی دو شاخیں تری اور بلاک ہیں، اور مؤخر ذکر کرک نسل سے بنگی خیل ہیں۔ خٹک اپنے خد و خال، ظاہری شخصیت اور بہت سی روایات میں باقی تمام پٹھانوں سے مختلف ہیں، اور ہماری سرحد پر آباد پٹھانوں میں انتہائی شمال پر رہتے ہیں، اور پشتو کا نرم یا مغربی لہجہ بولتے ہیں، اور جنگجو فطرت والے ہیں، اور کئی سو سال تک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا آپس میں ہی مصروف پیکار رہے۔ وہ پھرتیلے، محنتی اور پٹھانوں کے موزوں ترین نمونہ ہیں۔ اگرچہ ان کا علاقہ غیر زرخیز ہے، لیکن وہ اچھے کاشتکار ہیں۔ وہ حمال اور تاجر بھی ہیں، خصوصاً سواد اور بنیر کے ساتھ نمک کی تمام تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب کے سب سنی ہیں۔ خٹک کے مورثی دشمن مروت کا کہنا ہے کہ خٹک کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی دوستی اچھی ہے۔ خٹک کو شیطان لے جائے۔